पहले खिड़की में एक साड़ी डाल आई से बांध लेने से गले में। तो आप रही हो क्या, देख रही थी क्या? तो बुलाया का है नहीं है किसी को? अब पापा कहाँ रहे हैं? पापा के खटोली में पड़ रहा था। जब मैं बड़बड़ाती तो कहता कि अंदर घुसी रहो। जून 2023 को सुबह 10 बजे सूचना मिलती है कि ससुराल में आपकी लड़की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब मायके पछवाले मौके में पहुंचे हैं तो उन लोगों का आरोप है कि मार मार के उसकी हत्या की गई है और इस मामले को लेकर जिला थाना में सूचना दी गई है। और उम्र क्या होगी? उम्र होगी वही मेरी समझ में 27-28 के आसपास। बच्चे हैं? बच्चे दो हैं। और घटना क्या है? वो हस्बैंड अक्सर उसे दारू पी के मार कुटाई किया करता था। शराब के नशे में जब भी शराब के नशे में आता था उसे हमेशा मारता था। और पहली बार नहीं, 20-25 बार मार चुका जब से शादी हुई। और जब भी मेरे पास खबर आती थी तो मैं हमेशा उसको फ़ोन से समझा देता कि भाई मान जाओ, उसको मार पिटाई मत करो, और नहीं अगर मुझे गुस्सा लग जाएगी मैं थाना कोतवाली कर दूँगा तो परेशान हो जाओगे। तो ये सोच के कि भाई अपने हैं क्यों फालतू थाना कोतवाली किया जाए, इस सोच की वजह से हमने कभी कोई रिपोर्ट FIR नहीं की। 2 दिन पहले वहाँ ससुराल गया है अपने पूरे परिवार को लेके, अब वहाँ परसों आए हैं लौट के। अब साले से शराब पीने के लिए पैसा मांगा होगा, और साला भी उसकी 13-14 साल उम्र है, अब वो अभी कमाता भी नहीं है। अब उसने कहा जीजा हमारे घर में कोई ना तो शराब पीता है ना तो कोई मछली मुर्गा खाता है, हम अभी नहीं कमा पा रहा हूँ, तो अभी मेरे पास में नहीं है पैसे, अगर आपको पीना हो तो ले लो गाड़ी जैसे नन चले जाओ ले आओ जाके पी लो जाके। इस बात पे वो नाराज़ होकर वहाँ से पूरे परिवार को शाम को लेके आया है परसों के दिन, और कल उसको मार पिटाई की है, कल कई बार मारा है। इसके बाद जब शाम को फिर पता चला कि मार पिटाई की है तो छोटा भाई किया है वहाँ समझा के आया है शाम को वही करीबन 5 बजे कि मार पिटाई करोगे तो फालतू में बवाल कर दूँगा, FIR थाना कोतवाली करूँगा जाके। वो नहीं माना है। इसके बाद जब वो चले गए इतना समझाने के बाद जब भाई चला गया है गांव तो फिर फ़ोन करके उसको बहुत गाली गलौज किया, सवेरे भी मारा है। सवेरे मारने के बाद फिर 9 बजे नहा के आई है तो फिर ये दारू पी के पहुंच गया है। दारू पीने के बाद फिर पहुंचे तो भांजी ने कहा मम्मी मम्मी पापा आ गए, बस यहाँ तो देखा कि पापा आ गए हैं तो जाके वो सीधे उसे मारना शुरू कर दिया। मारने के उसके साथ साथ सीधे उसी पीरियड में मारते मारते ख़त्म हो गए। और उन लोग तो कहते हैं कि फांसी लगा लिया है। जब हम मौके पर पूरा मायके वाले गए हैं तो जो डेड बॉडी थी वो डेड बॉडी लटकी हुई नहीं मिली, हमें 4-5 में बाहर पड़ी हुई मिली। और शरीर में क्या चोटें थी? शरीर में पूरे चोटों को निशान थे, कहीं भी देखो तो हर एक चोटों को निशान थे, जिससे साबित हो रहा है कि मार पिटाई की है, मारी गई है। तो छोड़ने के बाद यहाँ से चले गए और इस बीच में नहीं पहुँचे, बस ये मारने लगा है कहने लगा उसको क्यों जाने दिया, 100 रुपया की दारू नहीं पिया सका और उसको जाने दिया। मैं उसका यहाँ बेजक भी करता, अब बस आज सोचना मिल गई कि मार डाला। तो किसने मारा है? राजू दमान ने। हाँ अब आप फांसी में लटका दिया। तो जब आप मौके में आई हैं तो किस तरह से पाए हैं? बाहर चोट पूरे शरीर में है। तो आपको क्या लगा, मार के टांग दिया गया? काहे के लिए धमका रहे थे? कल क्यों नहीं आई थी? अच्छा कहाँ गई थी? नानी के, अपने मम्मी के पास। मम्मी के पास चली गई थी? किसने छोड़ने आया था? इसका भाई। भाई ने? अब बाबा जी आपके कहाँ थे? बाबा थे। कहाँ थे? चिल्ला में। और मम्मी अपने आप फांसी लगा लिया, पापा मारा तो नहीं है? नहीं, कल लड़ाई हो गई थी एक मारे, आज भी लड़ाई हो गई थी एक मारे। अच्छा। आज मैं ससुराल पक्ष के घर के सामने हूँ और यहाँ पर उनके ससुर जी बैठे हुए हैं और जिनका नाम है शिवाल का, उसने बताया है कि ये घटना जब हुई है मैं मौके में नहीं था और यहाँ पर बहू बेटे का झगड़ा हुआ है, इसी बात को लेकर बहू ने फांसी लगा लिया है। तो ये बताइए कि जो आपकी बहू है गौरा, उसके भाई का आरोप है कि हमारी बहन को गला घोट कर मारा गया है, तो क्या मामला है? अंदर बंद करके खोल के निकाला है उसको।
कन्या फोन फांसी अंदर बंद कर ली था कपाल से लगा के मारी वारी नहीं गई है मजाक खाती रहा कहा एक महीना तो यहीं रहा। कहाँ जाने के लिए तैयार थे? सूरत जाने के लिए तैयार थे तो लड़का नहीं ले जा रहा था कहा यहीं रहो तो महीना कहाँ बाप रहे अकेले बाप का रोटी वोटी बनाए कहा मन बनाई खाओ कहू माओ चल माता इनके ना कोई लड़ाई ना दिख ना कुछ फिर वो क्या किया फांसी लगा ली फांसी लगा ली चल गए वो चिल्ले सब्जी उब्जी ले खाना बना दी मैं अपन वही सब्जी उब्जी धरी वही था वो दरवाजा है ना वो उधर ही रही वो दरवाजा है उसमें ऊपर लगाया था उसको भीतर ले बंद किया था। अब हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो इस तरह से गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी कानून के द्वारा सजा मिलनी चाहिए। सूचना यहीं पे चिल्ला थाने में दी गई है लेकिन अभी हमारे एसओ साहब ने अभी हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। उन्होंने कहा पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए इसके बाद हम आपकी सूचना दर्ज करेंगे लिखेंगे। खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भाषा।